बहुत प्यार करें। चलिए एक बार फिर से आप लोग सुनिए, अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने से छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार करें। तो चलिए पढ़ाई तो होती रहेगी, क्यों ना हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें, एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें बच्चों। तो चलिए बताइए, ये मेरे हाथ में क्या है? ध्यान से देखिए। घर। ये मेरे हाथ में क्या है भाई? बिल्कुल सही पहचाना, ये है प्यारा घर। क्या है? रिकॉर्ड कर। अच्छा, ये आपके घर में कौन कौन रहते हैं? सोचिए आपके घर में कौन कौन रहता है? क्या मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन रहते हैं। आपके घर में कौन कौन रहता है? हाँ, आपके मम्मी पापा भैया दीदी, कुछ परिवार में आपके दादा दादी, उनके चाचा चाची और आपकी माँ भी रहती हैं। तो बच्चों आपको पता है घर में जितने सदस्य रहते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? उनसे मिलकर बनता है हमारा परिवार। क्या बनता है एक बार क्या से सुनिए, घर में जितने लोग रहते हैं उनसे मिलकर हमारा परिवार बनता है। घर में रहने वाले सदस्यों से मिलकर क्या बनता है? हमारा परिवार बनता है। देखते हैं पिंकी के परिवार में कौन कौन है। तो आइए मिलते हैं पिंकी के परिवार से। पिंकी एक गाने के माध्यम से आपको अपने परिवार से परिचित करा रही है। रहना साथ सिखाते हैं सबको प्यार। कितना बढ़िया है। और क्या, प्यारे प्यारे दादाजी, इनका प्यार करा दिया। ये देखो, ये आ गया मम्मी, देखो ये। सुनाती रोज कहानी, बातें अच्छी रोज सिखाती, नंबर दो में। वो राजू को और उसकी छोटी बहन को बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। ये देखिए, ये है राजू की दादी। ये राजू के साथ और उसकी छोटी बहन के साथ बहुत खेलती हैं और घर के कामों में राजू की माँ की मदद भी करती हैं। तो ये है राजू की दादी। अब मिलते हैं राजू के पिताजी से। ये हैं राजू के पिताजी। राजू के पिताजी गांव के ही विद्यालय में अध्यापक हैं। उनका भी सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और गांव के बच्चे उनको मास्टर जी कहते हैं। वो राजू को और उनकी बहन को पढ़ाई में मदद भी करते हैं। तो ये हैं राजू के पिताजी। अब मिलते हैं राजू की माता जी से। ये हैं राजू की मम्मी। राजू की मम्मी बहुत सुसंस्कृत महिला है। वो राजू को और उसकी बहन को बहुत अच्छे संस्कार देती हैं। वो घर के सारे काम करती हैं। तो ये है राजू की माँ। वाह यार, क्या है। और ये है आपका राजू। राजू जो है वो कक्षा 3 में पढ़ता है। वो सबकी बातों को मानता है और बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये है राजू। और सबसे दुलारी और सबसे प्यारी ये है राजू की छोटी बहन। इसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। ये कक्षा 1 में पढ़ती है।
ये राजू के साथ खेलती है और माँ के कामों में थोड़ी बहुत मदद करती है। ये सबको पानी देती है जो इससे मांगता है और घर के छोटे मोटे काम भी करती है। इसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, ये रहा राजू का आदर्श परिवार। गांव में सब लोग राजू के परिवार की बहुत मदद करते। राजू का परिवार आपसे मिल चुका और सब लोग देखा आपने सबले। सोनी की कहानी। सोनी, ये है सोनी, ये है सोनी। ठीक है, देख रही है ना आपको सोनी, ये है सोनी। सोनी जो है वो अपने परिवार की बहुत लाडली, बहुत दुलारी बिटिया रानी थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, उसकी उसका छोटा भाई रहते थे। तो आप बताइए सोनी के परिवार में कौन कौन था? उसके मम्मी पापा और उसके छोटा भाई। सोनी वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, सबकी बात भी मानती थी, लेकिन सोनी के अंदर एक कमी थी। वो कभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके मम्मी या उसके पापा अगर उससे कहते भी थे कि बेटा घर के कामों में थोड़ी बहुत सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती थी। हमेशा कहती थी मैं कल कर दूंगी, मैं परसों कर दूंगी, मैं सीख लूंगी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि सोनी के पिताजी को किसी काम से शहर जाना पड़ा। अचानक से कोई काम आ गया, उनके पिताजी को शहर जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, सोनी की मम्मी थी, सोनी का भाई था और सोनी थी। रात में अचानक सोनी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, हल्की फुल्की, ज्यादा तबीयत नहीं खराब थी, थोड़ी बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई। अब रात में उनकी तबीयत खराब थी तो वो सुबह उठ नहीं पाए, उनको बुखार जैसा लग रहा था, तो वो लेटी ही रही। अब सोनी उठी तो पूरा घर अस्त व्यस्त था, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। सोनी को तो कोई काम आता ही नहीं था, सोनी तो कोई काम करना ही नहीं जानती थी। अब उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी और उसके पिताजी तो शहर गए हुए थे। अब सोनी परेशान हो गई, अब क्या करे। उसका भाई भी था छोटा और घर पूरा गंदा था, घर में कुछ बना भी नहीं था। फिर सोनी बैठ के सोचने लगी मैं क्या करूं, उसको तो कुछ भी नहीं आता था। उस दिन वो स्कूल के लिए बच्चों तैयार ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो कभी अपने से तैयार ही नहीं होती थी। ना तो उसकी कापी किताब उसको मिल रही थी, ना घर का कोई सामान मिल रहा था, और उसकी मम्मी की तो तबीयत ही खराब थी, और उसका छोटा भाई भी परेशान था। फिर सोनी मन ही मन सोचने लगी कि अब मम्मी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, मैं घर के कामों में उनकी मदद करूंगी। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि आप घर के कामों में अपने घर वालों की मदद करेंगे। बच्चों, ये है रानी, ये कह रही है कि इस एक कविता सुनाई जाए। तो आप लोग भी सोनी के साथ एक कविता गाइए जरा। चलिए शुरू करते हैं। सुंदर और प्यारा परिवार, सुंदर और प्यारा परिवार, देता सुरक्षा ढेर सारा प्यार। सुंदर और प्यारा परिवार, सुंदर और प्यारा परिवार, देता सुरक्षा ढेर सारा प्यार। पापा बाहर काम करे, परिवार का भरण पोषण करे, मम्मी रखती सबका ध्यान, रोज बनाती नए पकवान। दादा दादी से रौनक सारे सुनाते हमको रोज कहानी। भैया दीदी संग मैं खेलूं, खूब पढ़ूं और घर भी देखूं, मिलकर हम सब करते काम, जीवन हो जाता आसान। सुंदर और प्यारा परिवार, देता सुरक्षा ढेर सारा प्यार। तो आज हम लोगों ने परिवार कैसे है बच्चे। ओ, दूसरा आ गया, दूसरा आ गया।
आता है तो आपको कोई अगर कार्ड देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आपको कोई एक ग्रीटिंग कार्ड दे दे या कोई आपके जन्मदिन पे एक बधाई का कार्ड दे दे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, कि आपको लगता है कि हाँ ये लोग मेरा ध्यान रखते हैं। तो क्यों ना हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी एक धन्यवाद कार्ड बनाएं। हमारे घर वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, तो हमें भी तो बताना चाहिए ना कि हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लगा ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग एक धन्यवाद कार्ड बनाएं। ये कार्ड बना करके आप अपने मम्मी पापा अपने दादा दादी को थैंक यू बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह का एक कार्ड बनाया है। आप लोग अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद आए, जो आपको पसंद हो, आप चाहे ऐसे फूल बना सकते हैं या आपको अपने दादाजी के लिए कार्ड बनाना है तो आप एक छड़ी बना सकते हैं, उनका चश्मा बना सकते हैं, आप दादी की फोटो बना सकते हैं, अपने पापा जी का जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वो बना सकते हैं। तो आप इस तरह का एक कार्ड बना लीजिए, है ना मजेदार, और उनको ले जाके दीजिए कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, आप मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप उनको ले जाके ये कार्ड दीजिए और उनपे उनका हस्ताक्षर कराइए, देखिए आपके इस कार्य से वो कितने खुश हो जाते हैं। आपके पास अगर ऐसे कलरफुल कागज, रंगीन कागज, ये है सोनी, ये कह रही है कि इसको एक कविता सुननी है, तो आप सोनी के साथ एक कविता सुनेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है परिवार जीवन का आधार। तो शुरू करते, घर में रहते लोग जितने उनसे मिल बनता परिवार, घर में रहते लोग जितने उनसे मिल बनता परिवार, मिलजुल कर हम सब रहते हैं प्यारा बहुत लगता परिवार। परिवार है जीवन का आधार, परिवार है जीवन का आधार, सुख दुख में मिल रहते साथ। परिवार है जीवन का आधार, सुख दुख में मिल रहते साथ। यह है हमारी प्रथम पाठशाला, यह है हमारी प्रथम पाठशाला, अच्छी बातें हमें सिखलाता, समाज में रहना सिखलाता, समाज में रहना सिखलाता, अच्छे संस्कार देता परिवार। जब भी हम पड़ते बीमार, परिवार रखता हमारा ध्यान। जब भी आता कोई त्योहार, हाँ बच्चों, जब भी आता कोई त्योहार, मिलजुल कर खुशियां मनाता परिवार। घर में रहते लोग जितने उनसे मिल बनता परिवार। तो हमने जाना कि परिवार कैसे बनता है, उसकी उपयोगिता।